आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ वो है ट्राइसेप के बारे में, किस तरीके से करना चाहिए, उसका क्या फॉर्म होना चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। कितने नंबर ऑफ रेपिटेशन होना चाहिए, कितने वेरिएशन है, कैसा फ्लो होना चाहिए, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगी। मैं ये सेटअप कर रहा हूँ ट्राइसेप का, जहाँ पे मुझे बेंच, मैंने डिक्लाइन बेंच मेंटेन रखा है एंड सपोर्टर्स लगा के रखे इनकेस फटी क्या फेलियर आता है तो बार-बार मुझ पे ना गिरे। ये जो मैं सेटअप कर रहा था ये था डिक्लाइन ट्राइसेप प्रेस के लिए। चलिए नाउ बारबेल पे ग्रिप, बारबेल पे ग्रिप आपको शोल्डर विथ रखनी है। ये है क्लोज ग्रिप, ये है स्लाइटली वाइडर देन जो हम चेस्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन ट्राइसेप के लिए आपको शोल्डर विथ रखना है। ये मैं स्मिथ मशीन पे कर रहा हूँ तो मुझे बैलेंस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने। आप मेरा हेड देख सकते हो, मैंने खाली न्यूट्रली रखा है, मैंने प्रेस नहीं किया है। इसके आपको 10 रेपिटेशन करने। मैंने ग्रिप लिया, बॉडी टाइट, न्यूट्रल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सेकेंड्स का ब्रेक ले रहा हूं। ये था मेरा सेकेंड सेट ऑफ ट्राइसेप। वर्कआउट के ड्यूरेशन में आप पानी पी सकते हो, बट सिपिंग, आपको वाटर का इंटेक इतना नहीं करना है कि आप प्यूक कर दो। अगर आप ओवरवेट नहीं हो और अगर आप लीन हो तो आप पैरेलल बार भी कर सकते हो ट्राइसेप के लिए, वो भी कंपाउंड मूवमेंट है। कंपाउंड मूवमेंट मतलब जिसमें एक से ज़्यादा जॉइंट काम कर रहे हो और ज़्यादा मल्टीपल मसल्स एंगेज है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है कि इसका सेटअप कैसा होना चाहिए, आप चाहे तो देख सकते हो मेरे यूट्यूब पे। अब एंड लिफ्ट, पैरों को लॉक किया, अब मैं जो लोग हैवी साइड में होते हैं या जिनका बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से वो ट्राइसेप पैरेलल बार नहीं कर पाते, वो लोग क्या करेंगे, उनके लिए सेकेंड वेरिएशन बता रहा हूं। दोनों हाथों को आपको यहाँ पे शोल्डर विथ रखना है एंड पुश इट डाउन। यहाँ पे आप देख सकते हो केबल मेरे नेक के साइड में से आया है और मेरा हाथ और केबल दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। मेरा हिप पीछे गया है एंड मैंने इसको होल्ड करके रखा है वेट को अपने बॉडी वेट से। नाउ इन दिस केस मेरे एल्बोज सिर्फ ये पैरेलल लाइन से बाहर जाएंगे पीछे की तरफ क्लोज टू माय बॉडी एंड वापस आएंगे। इसमें आपको एल्बोज को सिर्फ 90 डिग्री तक बेंड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। दिस आप हैवी वर्कआउट कर रहे हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा डीप रेंज हिट ना करो, वो आपके टेंडन्स के लिए अच्छा नहीं होगा। 5, 6 रिस्ट आप देख सकते हो मैंने न्यूट्रल रखा है। कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, ऐसी मिस्टेक कर देते हैं रिस्ट को एलिवेटेड, पूरा रिस्ट को पूरा हाइपर एक्सटेंडेड कर देते, वो भी गलत है। आपको रिस्ट को न्यूट्रल रखना है, सिर्फ एल्बोज बाहर जाएगा, एल्बोज अंदर आएगा। आप देख सकते हो रोप स्ट्रेट अप एंड डाउन हो रही है। ये 10 रेपिटेशन, गुड प्रेशर ऑन माई ट्राइसेप, बोथ आर सेम एक्टिविटी,
एक जो अपना बॉडी वेट उठा सकते उन लोगों के लिए था, और जो बॉडी वेट से पैरेलल बार नहीं कर पाएंगे ये उनके लिए वेरिएशन था। नाउ अगेन आई विल डू थर्ड एंड द लास्ट सेट ऑफ सेकेंड वेरिएशन ऑफ ट्राइसेप। पुश करते वक्त एक्सेल 7, 8, 9, 10। अब मैं ट्राइसेप का आपको तीसरा वेरिएशन बताऊंगा। अगर आप नोटिस करोगे पहले दो मैंने कंपाउंड किए, अब मैं आइसोलेशन शुरू कर रहा हूँ ट्राइसेप का। आइसोलेशन जिसमें सिर्फ मेरा एल्बो जॉइंट मूव होगा, बाकी के एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे आप हैवी नहीं जा सकते बिकॉज ये सिंगल जॉइंट मूवमेंट है और हैवी जाना भी नहीं है। ट्राइसेप के तीन हेड है, लेटरल, मीडियल एंड लॉन्ग हेड, लेकिन जो उनका अटैचमेंट है बोन के साथ में टेंडन वो एक ही है। पुश इट डाउन एंड एक्सेल इन इट 90 डिग्री। आप डाउन 1, 2, 3। आप देख सकते हो मैं सिर्फ 90 डिग्री तक ऊपर आ रहा हूँ। ये सेफ रेंज ऑफ मोशन है ट्राइसेप के लिए, आपको कोई जरूरत नहीं है पूरा बेंड करने की। 10 सेकेंड्स का ब्रेक ले रहा हूँ। लास्ट सेट ट्राइसेप का मैं कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब चलते हैं ट्राइसेप के एक वेरिएशन पे। आइए, सो दिस एंगेज पुश। आप ग्रिप देख सकते हो, क्लोज ग्रिप है, बैक आर्च है, मेरा बम टच है पीछे एज अ सपोर्ट के लिए। अगर नहीं भी है तो आप फुट को आगे पीछे रख के आगे रह के कर सकते हो, जिसमें कोर एंगेजमेंट काफी अच्छा होगा। एंड 90 डिग्री बेंड पुश 2, 4, 5, 6, 7। ये आइसोलेशन मूवमेंट है। काफी अच्छा फील आएगा आपके लेटरल हेड पे। अगेन मैं रिपीट करूंगा ट्राइसेप एक्सटेंशन। ये करते वक्त मेक श्योर आपका एल्बो ज्यादा मूव ना हो रहा हो, सिर्फ एल्बो जॉइंट में मूवमेंट होनी चाहिए। न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन रहे। एक्सेल इनहेल। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें ग्रिपर, आप चाहे तो रोप पे भी कर सकते हो, मैं एक सेट रोप पे भी आपको बता देता हूँ। बाइसेप में आपकी ग्रिप चेंज होने की वजह से आपका बाइसेप का मसल चेंज हो सकता है, लेकिन ये केस ट्राइसेप में नहीं है क्योंकि ट्राइसेप के तीनों मसल का अटैचमेंट एक ही जगह पे, एक ही टेंडन में। बाइसेप के तीनों अलग अलग मसल्स के अटैचमेंट अलग है, इसीलिए इनमें ग्रिप चेंज होने की वजह से बाइसेप का कॉन्ट्रैक्टिंग मसल भी चेंज हो जाएगा। जितने भी आइसोलेशन मूवमेंट है, सिंगल जॉइंट मूवमेंट, वो आपको लाइट वेट के साथ करने हैं, 10 के बदले 15 या 20 रेपिटेशंस करने, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। ट्राइसेप का एक और एक आइसोलेशन मूवमेंट बता दूं, ये आप सिंगल हैंड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका स्टांस इसमें लंजिंग स्टांस रहेगा, नॉन वर्किंग हैंड को पीछे कीजिए। आप यहाँ से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैं हमेशा लेफ्ट साइड से ही शुरू करता हूँ कोई भी एक्सरसाइज। अगर आप लेफ्ट ही हो तो आप कोई भी एक्सरसाइज यूनिलैटरल राइट से शुरू करोगे।
अब मैं लास्ट सेट करूंगा ट्राइसेप का, ओवरहेड एक्सटेंशन। एंड ट्राइसेप किक बैक, इसमें आप हैवी नहीं जा सकते हो, तो आपको लाइट वेट ही लेना है। मैं 5 kg का डंबल्स लेके आपको दिखाऊंगा। इसके फॉर्म का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मुझे मेरे शोल्डर्स को हाइपर एक्सटेंड करना है, मतलब इस तरीके से मुझे मेरे एल्बोज को उठाना है, बॉडी पूरी लॉक रहेगी, ब्रीथ स्ट्रेट। एंड मुझे नीचे कितना लाना है, जहाँ पे मेरा डंबल न्यूट्रल हो जाएगा, मुझे स्विंग नहीं करना है, स्विंग नहीं करना है, बस यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड वन मोर सेट ऑफ ट्राइसेप हम करेंगे। आई होप आपको हमारा ये ट्राइसेप का वर्कआउट पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।